चेक वन भाई पैंट है तो इतनी बेकार आ रही है। हाय गाइस, 1 2 3 हाय गाइस। मैनेजर ने देख लिया तो मेरे को प्रोजेक्ट ना निकाल दे। 1 2 3 हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। ये है टीनू, जिसको आप लोग जानते ही हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ये है हमारे चैनल पे नए मेंबर जमाईसा। जमाई साहब पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बुलाते वैसे तो मेरा नाम पूरा नाम संबित महापात्रा है, मैं अमृतसर से रहने वाला हूँ, बट मेरा जो बैकग्राउंड है वो उड़ीसा से है, तो बट मेरा फुल पंजाबी हो चुका हूँ मैं बचपन से वहां रहके। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकग्राउंड और किस कंपनी में जॉब करता है वो भी बता दे। तो जैसा कि एजुकेशनल, आई एम अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और शुरू से मेरा ये करने का मन था क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी, तो मैंने बीटेक किया, जो कि मैंने चितकारा से किया। पिछली आईटी में था तो आईटी फील्ड में गया, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, फिर मेरा मतलब व्हाटएवर प्रोजेक्ट यूएसएमएनसीज के लिए काम करता हूँ। करेंटली मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हूँ एज अ लीड कंसल्टेंट, और मोस्टली वर्किंग विद ह्यूज एमएनसीज फ्रॉम यूएस एंड ऑल ओवर द ग्लोब। हाय गाइस, वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर यू फ्यू थिंग्स। सो आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने व्लॉग्स में ये चीज़ बता रखा है दैट आई एम नॉट अ परफ्यूम पर्सन, बट हाँ मुझे परफ्यूम्स पसंद आते हैं लगाना, जो सटल भी हो बट एट द सेम टाइम लॉन्ग लास्टिंग उनकी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। सो आई रिसीव द अमेजिंग रेंज ऑफ परफ्यूम्स बाय मामा अर्थ पैकेजिंग। इस तरीके की पैकेजिंग में ये परफ्यूम आता है। सबसे पहले जो मैंने परफ्यूम उठाया है ये वो उठाया है, विच इज माई फेवरेट। ये है वाइट मस्क। परफ्यूम्स के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले इनकी जो बेस्ट क्वालिटीज है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपने आज सुबह लगा लिया है, आप रात तक, अगर आप जैसे मैं, आई डोंट यूज परफ्यूम्स ऑन माई बॉडी, आई यूज समटाइम्स परफ्यूम ऑन माई क्लोथ्स, सो जब तक वो कपड़ा धुल नहीं जाएगा तब तक जो फ्रेग्रेंस है उसकी वो कंटिन्यू इंटैक्ट रहती है। दूसरी चीज, ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। अब क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ अपने बॉडी में परफ्यूम लगाने से, बट इसको लगाने से पहले मुझे डर नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड। इज अ प्रूफ कि इसके अंदर ना ही कोई टॉक्सिन्स है, ना ही कोई हार्मफुल केमिकल्स है, 100% वीगन है, अगेन अ प्लस पॉइंट, और बहुत ही ज्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस है, आपको ऐसे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी, बहुत नेचुरल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दिस इज द वाइट मास्क, माई फेवरेट फेवरेट परफ्यूम। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस हैज अ मिक्सचर ऑफ लिली एंड सेंचुअल मस्क प्लस लैवेंडर। इफ यू रियली वॉन्ट टू गियर अप द डे, दिस इज the best fragrance and this is one of my favorite in all the range. Coming to the next fragrance is this oud. So if you remember at the time of Tinu's wedding last year, hum logon ne ek perfume purchase kiye the, to jisme se maine jo perfume purchase kiya tha wo oud perfume hi tha, oud ki smell hi thi usme. So ye jo hai arab mein ek tree hota hai jiski ye fragrance hoti hai, us tree mein se nikala jata hai and iski fragrance bhi bahut amazing aur bahut unique hoti hai, but wo jo perfume tha wo bahut expensive tha and ye jo uske comparison mein almost similar इनकी फ्रेग्रेंस है, बट कंपैरिजन अगर मैं प्राइस का करूं तो दिस इज वे चीपर एंड अफोर्डेबल, प्लस दिस इज ऑर्गेनिक, 100% वीगन, मेड सेफ सर्टिफाइड, तो ये सब इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट आ गए। आई रियली लव द बॉटल, बहुत ही क्लासी सिंपल, एज अ वुडी स्मेल, थोड़ी सी अर्दी है, रिच है काफी, सो दिस इज द नेक्स्ट परफ्यूम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज दिस फ्लोरल फ्रेग्रेंस। सूदिंग फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही ऐसे चटक टाइप का नहीं है, एंड दिन भर स्टे करता है तो आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव लॉट ऑफ फ्लावर्स अराउंड यू, द फ्लोरल एंड साथ ही साथ फ्रूटी दोनों नोट्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस एक्वा फ्रेग्रेंस। सो ये हम यूज कर चुके हैं, इसके बारे में ही मैंने आपको बताया था, ये मेरी आधी बॉटल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। दीज सेंट्स इवन कम इन दिस ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग। 5 फ्रेग्रेंसेज ओवर हियर, अर्थ वाइट मस्क, मामाअर्थ फ्लोरल, मामाअर्थ ऊद, मामाअर्थ एक्वा एंड मामाअर्थ फर्स्ट रेन। So these all are EDT perfumes. वैसे तो I usually use all the fragrances on my, you know, my clothes, but because this is safe to use, I am using this on my skin, on my body. So good. Links of all the products is given in the description box. You can check that out. Screen पे दिया हुआ coupon code अगर आप use करेंगे, you will get extra discount Mamaearth की website and साथ ही साथ Mamaearth के app पे. Every time you buy a product from the Mamaearth, Mamaearth will link your order on a website to a tree that they plant. इसके पीछे का initiative ये है कि आप बहुत अच्छा product ले रहे हैं, साथ ही साथ आप Earth को भी एक अच्छा contribution दे रहे हैं. Mamaearth has also launched their Goodness Insider program, which is a loyalty program crafted for everyone. You get free shipping and free gifts on every order, exclusive sales and offer as well, only for insiders. Link to become an insider is also given in the description box. Yeah, let's move ahead with the video.
अब हम क्वेश्चन आंसर जो एक्चुअल क्वेश्चन आंसर राउंड है वो स्टार्ट करते हैं. सो विद इन 1 आवर के टाइम स्पैन में मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ गए, मैं वही ले रही हूँ फटाफट से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट रोमांटिक? ऑफकोर्स मी. चलो, थॉट अबाउट एक्स आफ्टर मैरिज? थॉट अबाउट एक्स तो था ही नहीं. ठीक है, एक्स तो पता भी है मुझे. हाँ, तो पता ही है, बट वर्थ इट नहीं है. कितनों के आएंगे मैं ये सोच रहा हूँ. For both, one good and one irritating thing about each other. You know, irritating is she मतलब पूरे दिन poke करती रहती है आपको किसी ना किसी चीज़ पे. आप बैठने नहीं देगी आपको शांति से. तो वो irritating हो जाती है when मतलब मैं concentrate कर रहा हूँ किसी important चीज़ पे. वो irritating भी है sometimes, but वो बाकी time पे अच्छा भी लगता है. But good ये है कि उसमें energy बहुत है. तो तुमको कभी भी लो फील नहीं होता. वैसे तो मुझे लो फील होता नहीं कभी, बट जस्ट जस्ट. अब पीनू गुड क्या है? गुड क्या है? गुड यह है कि क्लीननेस फ्रीक है और बहुत पर्टिकुलर है अपनी सारी चीजों को लेकर के. दैट इज रियली गुड. तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है. इरिटेटिंग यह है कि भाई इसको एकदम इस लेवल का नीट एंड क्लीन चाहिए कि मतलब अगर हल्का सा आपसे कोई चीज इधर से इधर भी मिसप्लेस हो तो इधर से इधर ही करनी है. पापा का ये मुझे नहीं पता था. ओसीडी तो पापा जी का 100x है. हां, ओसीडी बहुत हाई लेवल पे ओसीडी. अभी जैसे हम लोगों ने तो ऐसे नहीं देखा, शायद तुम्हारे जैसे अगर तुम बैठे हो यहाँ से ऐसे निकल जाओ हल्का हाथ मार दिया कि तो ये भी साफ होनी चाहिए. तो मेरे को एकदम सीधी चाहिए. भाई साहब, ये मैं इसका नया सुन रहा हूं. मेरा मेरी चीजें भी ऑब्वियसली जो जहां है वहीं रहनी चाहिए. हु इज मोर डोमिनेंट? डोमिनेंट तो लगता है कि तू है. ये डोमिनेंट क्या कुछ चीजों में है, बट कुछ डिपार्टमेंट में मैं हूँ. अगर नाउ हाउ इज टीनू फीलिंग एडजस्टिंग दिस न्यू चेंज ऑफ लिविंग विद इन-लॉज नाउ? मतलब आफ्टर मैरिज एडजस्टमेंट कैसा है? एडजस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे यहाँ पे रहती थी मैं वैसे ही वहाँ पे रह रही हूँ. इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही चिल रह रही हूँ. यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बोला जाता था, पर वहाँ तो बेचारे मम्मी पापा बहुत ही स्वीट है तो वो कोई बोलते ही नहीं है. मैंने अपने क्यूएनए में बताया है कि इसकी मदर इन लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल मदर इन लॉ जो हमने देखी है. मतलब पापा भी कुछ नहीं बोलते, मम्मा भी कुछ नहीं बोलते. हमारे घर में एक्चुअली लड़की नहीं है ना कोई. हाँ, तो और घर वाले बहुत बिजी रहते हैं टू बी ऑनेस्ट. मतलब उनके पास टाइम नहीं जल्दी करने का. हाउ इज विक्कीज इक्वेशन विद सैम? डज ही ट्रीट्स हिम BIL टाइप फॉर्मली और ब्रो कोड? ब्रदर इन लॉ राध्या के साथ तो मतलब शादी से पहले भी हम मिल चुके थे काफी बार. तो नॉर्मल मेरे को भैया को जैसे इन्होंने मेरे को बताया था कि भैया बड़े सीरियस रहते हैं, ये है वो है. मुझे तो मिलके नहीं लगा. भैया तो बहुत बात करते हैं. भैया बहुत बात करते हैं हाँ, पर भैया मतलब सीरियस टाइप के दिखते हैं, पर मुझे नहीं लगा. मेरे साथ तो अलग से भी हम बहुत घूम घूम के आए हैं. नाउ नेक्स्ट इज हु इज मोर कंजूस और नेक्स्ट है और एक्स्ट्रावेगेंट? कौन ज्यादा खर्चीला और कौन कंजूस ज्यादा है? कंजूस तो मैं हूँ. पैसा ही पैसा होगा. तो खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है, पर जो चीज कौन है ये बिल्कुल नहीं है एक्स्ट्रा. नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा दोनों में से कंपेयर करो तो ये ज्यादा खर्चा करती है. कंपैरेटिव मतलब, लेकिन ये भी वैसा खर्चा करती है कि ये बहुत काम की जगह पे यूजलेस खर्चा. मैंने तो इसका 5 साल में कभी नहीं देखा है. है ही नहीं. मेरा कंजूस तो नहीं कह सकते हम. मेरा ऐसा कि अगर यहाँ पे बच सकते हैं तो बचा लो. बच सकते हैं. बोल सकती है. कोई कंजूसी नहीं है, बट मेरा ऐसा रहता है इसलिए कल इसी खुशी में कल सैम हम सबको पार्टी देगा. पता है क्या है सीन? वो बड़ा खर्चा कर देता है और सारे छोटा खर्चा मैं संभालती हूं. शेयर देयर लव स्टोरी? शेयर देयर योर? तुम लोगों की भाई और उनकी थोड़ी. तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि हम लोग पहले दोस्त ही थे. तो इसका तो ऑब्वियसली कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये उस लाइन में नहीं थी. मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है. मतलब ऐसा तो हम लोग काफी सालों से मतलब फर्स्ट कंपनी में जब हम थे तो मैं तो सीनियर था इनका. तो हम लोग चेन्नई में मिले थे थ्रू अ ट्रिप. तो ट्रिप में मिले थे, वहां से फ्रेंडशिप वगैरह हुई और हमारी वाइव्स मैच हुई बेसिकली. मेरे ग्रुप में कोई इतना ज्यादा घूमता नहीं था, इनके ग्रुप में भी बहुत बोरिंग लोग थे. हम दोनों बेसिकली नॉर्थ के थे तो वाइब भी मैच हुई. वो सब और दोनों चिल टाइप के, चिल टाइप के लोग थे. कोई ज्यादा दिल पे कोई बातें नहीं लेते थे एक दूसरे को. पूरा हम चिल्लम चली चलती थी हमारी. जैसे मुंबई में भी आ गए फिर साथ में. फिर काफी टाइम से जाने लगे इनके फ्रेंड्स, मुझे जाने लगे मैं इनके फ्रेंड्स. तो एक टाइम के बाद पहले बात तो हमारी ऐसे कोई थी नहीं कि हमको शादी कब करनी कैसे करनी है कुछ नहीं पता था हमको टू बी ऑनेस्ट. फिर हमको ऐसे लगा कि चलो अभी करनी ही है, कभी ना कभी तो करनी है ना, क्योंकि है. तो हमने एक्चुअली काफी मेरे घर पे तो इतनी जल्दी रश नहीं था क्योंकि काफी टाइम रहता है उनके पास.
इनके घर में इन्होंने काफी लड़कों को देख लिया था बट कोई मैच नहीं हुआ तो बट फिर हमने डिसाइड किया कि अगर करनी है तो हम दोनों कंपेटेबल है दोनों को जैसे ही है मतलब दोनों की ऑपोजिट चीजें हैं बहुत सारी डिस्कशन की फिर वहां से हमने सोचा कि चलो अब और दोनों एक दूसरे को तुम कह सकते हो कि फ्रेंडशिप से क्लोज फ्रेंड्स थे बहुत ज्यादा तो वहां से फिर हमने डिसाइड किया लेट्स get together. So next question है, as Sam भैया is Uriya, please ask him to speak few lines in Uriya. नमस्ते दर्शकों. आ जाओ. Uriya में ये नहीं बोलते ना. Uriya में क्या बोलते हैं? केमचो नहीं केमचो. वाह वाह. केमचो. Fluently बोलता है. सब हुआ. हाँ. हमने सुना हुआ है. Sam is like. अरे वही तो बोल रहा हूँ ना. अभी जैसे वही तो बोल रहा हूँ कोई पंजाबी में बात करेगा तो मेरी पंजाबी ज्यादा अच्छी निकलेगी तो उस टाइम नहीं आ रहा फ्रेम में केमते अच्छो कौन कर जो आशीवा घोरे बस यही है नेक्स्ट है हाउ इज योर लाइफ एज पंजाबी बहू नाउ आई एम ऑल्सो फ्रॉम एमपी एंड नाउ गॉट मैरिड विद पंजाबी मुंडा पर पंजाबी तो है नहीं ना ये फैमिली पर फिर भी ये तो है फ्रॉम हार्ट है ना बहू वाला तो सीन ही नहीं क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा दे आर नॉट पंजाबी दे डोंट स्पीक पंजाबी नहीं है और वो पंजाबी सिर्फ वो फॉलो करते हैं क्या फेस्टिवल्स बिकॉज़ वो अमृतसर में रहते हैं बाकी और कुछ पंजाबी वाइब्स नहीं है बाकी तो फिर हाँ जैसे ये पंजाबी फ्रॉम हार्ट तो फिर वैसे तो हम भी उस लेवल का मस्ती करते हैं हाँ बेस्ट मोमेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज मतलब इनका भी 26 नवंबर को फर्स्ट ईयर हो जाएगा ना 28 हाँ द बेस्ट मोमेंट अभी तक का मोमेंट राइट ऋषिकेश वाला ट्रिप हमारा अभी तक का बेस्ट था उसके बहुत एंजॉय किया ओके फिर कैसी चल रही है लाइफ कुछ स्पाइसी और कुछ स्वीट मेमोरीज शेयर करें प्लीज उन दोनों की कब लड़े तुम लोग स्पाइसी हमने हाँ बहुत लड़ते हैं मतलब लड़ते हैं डिस्कशंस बहुत होते हैं बातें बहुत करते हैं हम जैसे पहले ही करते थे हम शादी से पहले वैसे वो स्पाइसी उसमें मोमेंट्स आते थे कि कभी कभी दोनों को मस्ती करने का किसी को छेड़ने का मजा आता है कि अपने का तो छेड़ने छोड़ना सामने वाले को भी नहीं छोड़ना फिर हम पब्लिक में जाके मस्ती करते हैं स्वीट 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 मेमोरी चाय पीने जाते हैं टपरी पे उसकी हाँ चाय पीने जाते हैं और सबसे स्वीट मेमोरी तो यही है कि तेरे घर में कितनी बार आ चुके हैं भोपाल ही आ चुके हैं मेरे ख्याल से 6-7 बार यहाँ पे हमने बड़ी मिट्टी की है जब भी आते हैं क्योंकि अमृतसर में क्या मम्मी पापा बिजी रहते हैं और वहाँ पे ज्यादा कोई बचा नहीं मेरे फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट दिवाली पे बहुत की थी हाँ दिवाली पे उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टीनू मैनेज एवरीथिंग इन ससुराल बिकॉज शी लुक्स सुपर कूल सो इज शी अ टिपिकल बहू वाली इमेज बताओ सैम मैं तो यही बताऊँ सैम सैम बताएगा हमारे घर में बहू तो मम्मी नहीं है हुई एक्चुअली मैं आंटी भी कोई दोनों मिलके खाना बनाते हैं और मेरी माँ मेरे से कम बात करने लगी इससे ज्यादा करती टू बी ऑनेस्ट और पापा के पास तो टाइम नहीं किसी के किसी के लिए पापा बात करते हैं और कभी चाय पे ब्रेक हुई तो वो घर पे हैं रेस्ट कर रहे हैं हम लोग बैठ गए चाय वाय पी ली तो उस टाइम पे बातें कर लेते हैं पर पापा भी को भी पसंद है बहुत ज्यादा पापा इससे ही बात करते हैं टेल सैम भाई टू स्पीक समथिंग इन ओडिया एंड आस्क टीनू दी टू गेस व्हाट ही टोल्ड गेसिंग कर लेगी पता नहीं ओके बे और जब आएंगे तब मुंबई की स्ट्रीट शॉप और फूड चैलेंज का व्लॉग बनाना ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे वापस तब हाउ मच डिफरेंट इट इज फ्रॉम बीइंग इन अ रिलेशनशिप टू गेटिंग मैरिड एंड स्टे एक साथ टू बी ऑनेस्ट हाँ हमको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया क्योंकि मैं हम चेंज भी नहीं हुए 1% भी कोई चेंज नहीं है ये कह सकते डिसीजन और बेटर हो गए पहले हाँ पहले की मतलब कोई बोलने वाला नहीं था तो जो मन में आता था वो करते थे अब क्या है एक ओपिनियन आ जाता है कि जैसे नॉर्मल सी चीजें जैसे शॉपिंग करने गए तो ये कैसा लग रहा है या कोई गाड़ी का डिसीजन हो गया घर देखने का हो गया ये सब चीजें तो वो एक फ्रेंड का और एक ओपिनियन हो जाता है प्लीज यू फोर मेक अ ट्रिप सून एज अच्छा ये तो ट्रिप वाली अपनी है एनी चेंजेस इन टीनूज लाइफ आफ्टर मैरिज और एनी काइंड ऑफ प्रेशर नहीं इनफैक्ट ये वहाँ भी वैसे ही रहती है जैसे यहाँ रहती है वहाँ ज्यादा चिल करती है बहुत चिल करती है यहाँ क्या यहाँ मम्मी टोक देती है किसी चीज पे वहाँ कोई नहीं टोकता है इनको मतलब इसकी जो मम्मी है वो थोड़ा शायद ज्यादा कि ये पहन या वो पहन और वहाँ वो वैसी है कि बिल्कुल मेरी मम्मी तो इनको बोलती है पापा को बोलो ये चीज वो वैसे है कि तू भी चिल कर मैं भी
क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे तो शादी के बाद चीजें आसान हो गई हैं या डिफिकल्ट, एंड एक दूसरे को पहले से कैसे जानते थे वो तो भी बता दिया। हाँ, मैंने भी बता दिया ऑफिस के थ्रू और चीजें तो वो सेम ही है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन में तो हाउ इज मैरिड लाइफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड? मेरा तो यही है कि अरेंज मैरिज के बाद भी ऐसी लाइफ जी जा सकती है और उससे पहले भी कोई डिफरेंट नहीं है। पहले से अगर आपने कुछ अज्यूम करके रखा हो तो बात अलग है, बट ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होती है, एक्सेप्टेंस है कि मेरे को जैसे इनके मम्मी पापा भैया रुचि इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ा है ना, और उस हिसाब से इनको करना पड़ा। तो मेरा तो वही है कि एक परिवार में मेरे मम्मी पापा जैसे वैसे यहाँ के मम्मी पापा, तो है ना, तो जैसे अपन अपने मम्मी पापा को सारी चीजें खुल के बोल सकते हैं, वैसे इनके मम्मी पापा को खुल के बोल सकते हैं। और फिर है, have you ever lied to each other, Sam and Tino? हाँ, बहुत बार, all the time, बहुत ज़्यादा, all the time, जो चीजें फालतू की नहीं, बकवास, तो पकड़ा ही आती कि नहीं आता, I don't know, मैं इसको छोड़ के भाग गया और इसको बता के क्या मैं खेलने गया हूँ और मैं कहीं अयाशी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन हो गया इन दोनों का, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग दे हैव डन और लाइक दे डोंट वांट टू ट्राई बट ट्राइड एंड लेटर एंजॉयड, तुम दोनों ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग। ओ भाई, अच्छा, मौत के मुंह में, इनको तो बहुत डर लगता है पानी वानी से तो। पर मैंने की हुई थी एक्चुअली, उसी टाइम पीछे देखा और वेव दिख गई इसको, तो ये इधर कूद गए और मेरे को दिखी नहीं, तो मैं तो गिरा, मेरे पीछे हेल्पर था वो भी नीचे। टाइम पे ऐसा था कि मैं, उन्होंने बोला था कि पानी में छलांग लगाओ, बोट के इस साइड बोला था और मैं ऐसे ही कूद गया उस साइड और मैं बह गया, तो इसको डर लगा था, तो वो एक एक्सपीरियंस था। मैं भी शायद वही पर मेरा पति बह गया। नहीं, कूदी नहीं, सोचो, कूदे नहीं है, मैं बह रहा हूँ, कूदी नहीं, बस बोल रहे भैया बचाओ, अपनी खुद की जान की खुद जिम्मेदार है भाई, देख रहे हो, समझ रहे हो। एक दूसरे की फैमिली के ऊपर कभी लड़ाई हुई है? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपने हस्बैंड से सुन सुन कर। दूसरे की फैमिली के ऊपर? नहीं नहीं, हम तो गॉसिप वाले लोग हैं, क्या हुआ ऐसा बताओ। क्योंकि पांच क्वालिटी जो सैम को अच्छी लगती है, चलो बताओ पांच। पहली तो मैंने बोली बहुत एनर्जेटिक है, सेकंड है कि मतलब अच्छी क्वालिटी यही है कि मन में कुछ नहीं रखती, पूरा सामने बोल देती है। हाँ, कि मतलब सबका ध्यान रखती है, केयरिंग बहुत है, हेल्पिंग बहुत है, सबको हेल्प बहुत करती है। एक्चुअली ये है कि अगर वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो हर किसी के घर में होनी चाहिए, मेरा मानना ये है, वो सिर्फ एनर्जी और उसके रोना, नहीं एक लास्ट हाँ तो मेरे को शायद सेम तीनों को भी बताना है। हाँ कसम, ये पहले नहीं बता सकती, ये ज्यादा डीप, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सोच लेती थी। मेरे साथ भैया भी हैं और भैया भी पूरे ध्यान से सुनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली तो अनइंटेंशनली हेल्प कर देता है, अनइंटेंशनली मतलब उसको, मेरे को तो पता है इसको सामने से नहीं मिलेगा उतना, पर कर देता है ये हेल्प। इसका छोटी छोटी चीजों पे बहुत, मतलब ही केयर्स अबाउट ऑल स्मॉल स्टफ, ही डजंट गो फॉर बिग बिग शॉट्स, बट ही केयर्स अबाउट ऑल स्मॉल थिंग्स, मतलब विच विल नॉट इवन थिंक अबाउट। कि अपन तो हवा में जाने देते ना, आए क्या क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, टेक केयर ऑफ इट एज वेल। सेकेंड वो है, थर्ड फैमिली इसके लिए बहुत मायने रखती है, दोनों की फैमिली। फोर्थ, ही ट्राइज टू मेक श्योर कि वेन एवर ही इज देयर ही कीप्स द एनवायरमेंट लाइट मूड। फिफ्थ, डिसिप्लिनड है भाई जीवन में, मतलब अगर मैं कोई जिम जाना पड़े तो मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगी, जो कि मैं हूँ, पर मैं थोड़ी ज्यादा हो जाऊंगी। तुम दोनों से ज्यादा डिसिप्लिन कौन है? यही है, बहुत ज्यादा है, मतलब रूटीन में चलना है फुल एकदम। ओके, नाइस। ओके, फिर नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन समबडी, तीनों का क्वेश्चन है। इतनी पूरे चीट नहीं किया, एग्जाम में किया है। हां, वो नहीं, ऑन समबडी, ऑन समबडी। उसके बाद नेक्स्ट है, टीनो स्टिल वर्किंग? ऑफ कोर्स भाई, जीवन मतलब घिस गया है। फिर नेक्स्ट है, हाउ इज एवरीथिंग इन डिफरेंट स्टेट? डिफरेंस इनके लिए ये है कि ठंड है पंजाब, बस हाँ। जो अभी जैन में जाएंगे तो पीसफुल भोपाल है, पीसफुल भोपाल है, पंजाब में इतना पीस नहीं है, बट फिर वही है, पंजाब में खाना है, यहाँ खाना नहीं है, तो अपनी अपनी हर जगह की, यहाँ पे लेक्स अच्छे हैं, तो वो करेक्ट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। स्पेशल फील करवाने के लिए कौन सरप्राइज प्लान करता है? ऑफ कोर्स प्लीज, अच्छा, हमको तो पता ही नहीं लगता भाई करना क्या है। अच्छा, और इनको सरप्राइजेस बहुत कम पसंद आते हैं, कुछ गिफ्ट विफ्ट ले आए तो अगली बार हमको ही डांट पड़ती है कि पैसे दे दो गिफ्ट, मतलब सही में यार। मेरे को लगता है उड़िया का है मोहंती, अच्छा है ना। टीनू लर्न्ड उड़िया और नॉट? सैम के वर्ड्स में केम छो,
तीनों को सबसे पहले सैम तो सीख ले. बिस्ड अबाउट योर इन-लॉज दोनों का. आई डोंट थिंक सो. बिस्ड अबाउट मतलब कभी-कभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों के फैमिली में क्या-क्या इश्यूज हैं. हां नेवर बिस्ड की क्या करना क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता है. मैं एक्चुअली दे बोथ आर लकी कि दोनों को इन-लॉज फैक्टर बहुत अच्छा मिला. अदरवाइज ये जिनके भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं शायद खुद फेस कर रहे होंगे. दैट्स व्हाई होता है एक्सपेक्टिंग कि हां हां हमारे फ्रेंड्स वर सब कि आपका क्या उस पे टेक है. बट यहां ऐसा कुछ हमारे फार्टेड इन पब्लिक ऑल द टाइम आज सुबह. Dated someone? Yeah, I have dated. I never dated. She never dated. हाँ. मैंने किया. तूने normal date भी नहीं किया किसी से? नहीं नहीं. Okay. Not taken bath for 2 days. बात नहीं. अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि. वो सारे questions हो गए. वाह. वाह. अब 1 घंटे का time ही था ना. मैंने 1 घंटे पहले ही सब डाले थे. Coffee with करण में बुलाना चाहिए है ना. Before and after marriage के तो ऐसे question आए. मस्त चल रही पहले भी अब भी. Do they make sacrifices for their relationship? किस type का भाई? किस type के sacrifice? नहीं मैंने बोला ना. हाँ adjustment होते sacrifice कोई नहीं. हाँ. How Tinu adjust with in-laws? How they earn? In-laws. In-laws ज़्यादा earn करते हैं. FII. हम उनके आसपास भी नहीं है. मिला तो पापा अकेले कमा लेते. Exactly. Oh, Tinu adjust with in-laws. मैंने बताया इसकी मदर-in-law बहुत chill and बहुत cool है भाई. पापा मम्मा दोनों बहुत. अंकल तो मतलब he's like हाँ जैसे मतलब मेरे पापा को आप लोगों ने देखा होगा वैसे ही है अंकल भी. दोनों को बैठा दो तो बिल्कुल ये लोग शांति से. तो बस सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं. तालियां. रुको जरा भैया को दिखा दो यार. भैया ये है विक्की को. एक्चुअली सर्दी हो गई है तो इसलिए साइड में बैठा. ये दोनों भाई बहन को रख के एक का गला गया है एक को सर्दी हो गई. और वैसे ये मेरा न्यूली ब्रदर है नया भाई ये मेरा. अब नेक्स्ट क्या बचा है? विस्पर चैलेंज. ए दोबारा करना. हाँ सही बोल रहा. ए आ आर ए आंत कल है. रिसेंट है. पुराना है. अरे इतना पुराना भी नहीं है. इसको नहीं होगा. आपने नहीं हो रहा. नहीं साथ और ये दूरी. भाई ये तो बिल्कुल भी मेरे को रात तो किसी एंगल से लग नहीं रहा था. एक ये रात. ठीक है ऐसे कौन. हाँ, चल एक मिनट उसको डाल क्या. अबे ये तो ही ना. बोलो पूरा. हाँ. नहीं पता लगना. एक्शन. तो वो हिला है. वो हिला तो रहा हूँ. और अरे वर्ड ही ऐसा है इसको नहीं समझ आएगी. बहुत फनी होने. वर्ड ही ऐसा है. सैया दिल में आना रे. सैया दिल में आना रे. कैसे बताऊं. सैया यही तो करो. सैया सैया कैसे किसको. ये मैंने पहले क्या बोल रहा. हां ये मैंने दूसरा बोला दिल. दोनों का ऐसे ही नहीं कर रहा. हां बता. ठीक है. एक ए आंटे. ए इन ई. अरे इतनी देर नहीं बोलना. एक इन एक. अबे वो की रो. हाँ इन आंखों की. आगे आंखों की मट्टी. ये रुक जा. रुक नहीं. आंखों रुक जा. गाने बजाने दे. रुक जा. ये क्या है. चुप. आंखों की बिजली. इन आंखों की मस्ती. आंखों की मस्ती में कौन सा गाने. चिया सैया. बहुत पुराना गाना है. हाँ एक मिनट मेरे को याद करने थे जो तू कर रही है. साई नो साई 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 वे ना दी ना. चलो हो गया भाई सब क्या करने. छैया छैया. हम्म.
ये पर डिफिकल्ट है, ये गेम डिफिकल्ट है साला। डमशरा ज्यादा इजी है, डमशरा बहुत इजी है इससे। भाई साहब इस पंजाबी गाने का टोन वो दिया है। आई आई आया आइस आंखें आंखों की मस्ती में। अबे वो तो पहले था ना। अच्छा वो ही सुन रहा तेरे को। आंखों की मस्ती आंखें आंखें लाल लाल ल कुछ और मत बोल देना। लाल आंखें लाल है ये वो तो गाना आंख ल आंख ल जावे ये है ना ल जावे जावे वो हटे आवाज चल रहा यही होता है ना जब वो चल रहे होता है ना तो दिमाग में वो आता है। हो गया चलो हो गया भाई ठीक है। अबे अख लड़ जावे अख लड़ जावे तब से बोल रही अख लड़ लड़ तो होता है खुद लगा के देखना अपनी जीभ। अरे पर वो पता है आग से भी मुझे कोई गाना याद नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी देर से मैं ऐसे कहता है। हां एक्चुअली मैंने एक्चुअली इसके रिलेटेड ही दिया था कि इसमें भी ऊ अंटे आया ना तो अख लड़ भाई कौन बोला था। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। सो अगर वीडियो पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। अच्छा लग थंबनेल के लिए अच्छा पोज दे दो सब। चलो दादाजी ले आओ बीच में। दादाजी को तुम छोड़ दो। टीरू तेरा चेहरे नहीं दिख रहा है। हाथ बार गए हैं। हाथ बार सही में यार फ्रेम से हाथ बार चले। हाथ चले। चलो नेक्स्ट। माँ कसम यार तुमने देख के निब्बा निब्बियों के पोज नहीं होते वो ऐसे एजुकेटेड आईटी कंसल्टेंट बैठे हुए भाई मैनेजर ने देख लिया तो मेरे को प्रोजेक्ट से ना निकाल दे भाई। कंप्लीटली एग्री ये करने के लिए तुमको पैसे दे रहे हम। सही बात सही बात है। चलो गाइस ओके बाय बाय।